रोको, गाड़ी रोको, रोको, बाहर आओ। तुम तो घर से नौकरी पर गए थे ना, काम करने के लिए। यही नौकरी मिली आपके बेटे को ठाकुर साहब, इसे क्या डेप्यूटी कलेक्टर की नौकरी मिलेगी? एक वो वक्त था जब मेरे पिताजी आपके यहाँ ड्राइवर की नौकरी किया करते थे, और आज ये समय आपका बेटा जगमोहन प्रसाद का ड्राइवर है। पता नहीं आपके बच्चों की किस्मत में ऊपर वाले ने क्या क्या लिखा है। बस जगमोहन, बस। ठाकुर साहब मैं तो कहता हूँ चलाने दीजिए प्रकाश को गाड़ी, आज हिसाब बराबर कर ही देते हैं। तो हिसाब बराबर करना चाहते हो तुम? होगी ठाकुर उदय प्रताप सिंह। ये जो आज जिस गरीबा पर हाथ डाला है तुमने, तुम्हारा बाप उसके कदमों पर अपना माथा रगड़ता था। दुश्मनी की एक कैसी आग है, एक तरफ हमारे पिताजी हैं और दूसरी तरफ हमारे होने वाले ससुर। जो चिंगारी आज तुम्हें लगाई है ठाकुर, देखना उसकी तपिश अब कैसे तुम्हारे खानदान तक पहुंचती है। किसी लायक नहीं है हम संस्कार। हम जब भी अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, सब बुरा हो जाता है। हम चाहकर भी अपने माँ और पिताजी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भैया उनके लिए सब कुछ आप ही करेंगे, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अब आप शांत हो जाइए, खुद पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ प्रकाश भैया। संस्कार ने ठीक कहा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अब हमें डर लग रहा है। जिस तरह पिताजी ने आज गाड़ी को आग लगाई और जिस तरह का वो आदमी जगमोहन प्रसाद है, अब कुछ ठीक नहीं होगा। गरीबी से बड़ा ना कोई पागलपन है ना कोई दुश्मन। मैंने स्वर्ण भवन क्या खरीद लिया ठाकुर को ऐसा लग रहा है कि मैंने बीच बाजार में उसकी इज्जत उछाल दी? नहीं वकील साहब, ठाकुर साहब की फ्रस्ट्रेशन मैं समझता हूँ। सिर्फ मेरी परेशानी नहीं समझ रहे आप, पहले ठाकुर के लड़के ने आकर मेरे बेटे को धमकाया, वो भी गन से, फिर भांग के नशे में आकर मेरे घर में हंगामा किया, अब भरे बाजार में मेरी कार को जला दिया। अगर आपने उस ठाकुर के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो मैं भी आपके खिलाफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दूंगा। ठीक है वकील साहब, आप फिक्र मत कीजिए, ठाकुर साहब दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। हवलदार, मुझे हैरानी तो इस बात की हो रही है कि उस घर में दादी के होते हुए ये सब कुछ हो रहा है। अरे वो लोग तो हैं ही ऐसे। अरे मुझे तो लगता है वो बुढ़िया भी उन लोगों के साथ शामिल होगी। मुंह पर मीठी मीठी बातें, मगर दिल में बदले का जहर। बस कीजिए। बंद कीजिए ये सारी बातें।